नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि दुर्गा जसराज जी ने ये जो उत्साह ये प्रोग्राम शुरू किया है, इससे बहुत जो व्यूवर्स हैं, या ऐसे एक समय में कि जो हम लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, उसमें भी हम संगीत का आनंद ले रहे हैं और बहुत अच्छा इसका लोगों को अच्छा इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है संगीत का। इसमें नए लोग भी इसमें आ रहे हैं और लीजेंडरी लोग भी इसमें हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो इसके लिए कि हम लोग घर पे बैठे संगीत का आनंद ले रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसकी श्रृंखला में जुड़ा हूँ और आज ये 55th एपिसोड है, इसमें आज मुझे लाइव आने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दुर्गा जी को। और थोड़ा सा जो भी मेरा बजाने का स्टाइल है वो बनारस का, मैं 3 ताल तबले में थोड़ी देर आपके लिए बजाता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों को कि आप लोग आ रहे हैं, इंस्टा पे, फेसबुक में, सब जगह जुड़ रहे हैं और संगीत का आनंद, हर तरह के संगीत का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मैं प्रणाम करता हूँ और 3 ताल में शुरू करता हूँ। उठान था, उठान के बाद देखिए बनारस की जो परंपरा है चलन, जैसे पेशकारे में दूसरे घराने में बढ़त होती है, हमारे यहाँ चलन में बढ़त होती है, उसको हम प्रोवाइज करते हैं। Thank you.
धिनगिन धड़गिन का अंगुस्ताना मेरे नाना जी का है, पूरे पूरे हाथ का धिनगिन धड़गिन है। धाड़ा घिघिन धीने घिन धीने धाड़ा गिन धीने गिन धाड़ा घिघिन घिन ताड़ा किन ताड़ा किन किन तीन ताड़ा किन धीने गिन धाड़ा घिघिन घिन धाड़ा गिन तक तक तीन तक तीन तक 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 घेगे तक तक घर तक धीने तक तक तीन तक thank you.
धाधा तेटे धाधा तुलना, ये हमारे जब तबला सिखाते हैं तो ये बेसिक पहला सबक यही है, धाधा तेटे धाधा तुलना। क्या है कि फिर धीरे धीरे जब हम तबला सीखते थे, ये नए लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, तो उसके बाद हमारी शिक्षा धीरे धीरे बहुत आगे चली जाती है, तो फिर हम क्या है कि बिगनिंग की चीज़ों को जिससे शुरुआत करते हैं उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, उसको भी करना चाहिए। मैं जैसे ये बिगनिंग का धाधा तेटे धाधा तुना हम तबले पे हाथ रखा के पहले बनारस में यही सिखाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है, इसको बजाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत रियाज की ज़रूरत पड़ती है, कोशिश करता हूँ मैं। ये भी मैंने अपने बचपन में सीखा था, मेरी भी शुरुआत इसी से हुई।
ये पंडित शामता प्रसाद जी की, जिनको लोग गुदई महाराज जी के नाम से जानते थे, उनकी चीज है। खास रेला है, इस रेले को बांध के मतलब इसको बजाते हुए बनारस में गत फरद बंदिशें बजाई जाती हैं।
Thank you.
ये फरमाइशी है। पंडित अनोखीलाल मिश्रा जी का कायदा है, सभी लोग बजाते हैं इसको। धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तिन्ना किन्ना ता तिता किन्ना ता त्रिकट धाती धागे धिन्ना गिन्ना। मैं इसको इसलिए बजा रहा हूँ, मेरे नाना जी इसको बहुत बजाते थे, मैंने उनका रिकॉर्ड सुना है। क्रिकेट देखिए,
अब थोड़ी देर में आपको मेरे घर की खास चीज, मेरे नाना जी की नाचनिंदा तो बहुत बजा, बहुत से लोगों ने बुजुर्गों ने बजाया, बहुत हुआ, पर मेरे घर में मेरे नाना जी ने जो नाचनिंदा एक उंगली का बजाया वो उन्होंने ही बजाया। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत अगर 5% भी उनका आशीर्वाद हो तो मैं आप लोगों की दुआ चाहूँगा। नाचनिंदा के सारे उसके प्रकार वैरायटीज देखिए,
बहुत धन्यवाद। आप जितने लोग हमारे दर्शक देख रहे थे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी मैंने बजाया उसको सुना, और जैसा भी हुआ आप कमेंट द्वारा मुझे बताएंगे क्या रहा क्या कमियाँ रहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा जी को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और ये उत्साह जो उनका ये सीरीज़ है ये म्यूज़िक का इतना बढ़िया, उसमें मुझे उन्होंने बजाने का मौका दिया, आने का आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी देना चाहूँगा, और जितने लोग मैं फिर से जितने लोग मेरे श्रोता हैं जितने लोग मेरे फैंस हैं जो भी मुझे चाहने वाले हैं सारे बड़ों को मेरा प्रणाम, उनका आशीर्वाद मुझे ऐसा ही बना रहे और मेरे छोटों का मेरा प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि। राहुल इसको इसमें शेयर दबाना।